साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में। आज के इस वीडियो में हम इमला लिखने का अभ्यास करेंगे। इमला इमला एक अरबी शब्द है, इसे हिंदी में कहते हैं श्रुत लेख यानी सुनकर लिखना। तो आज के इस वीडियो में हम बिना मात्रा वाले शब्दों को लिखने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि आज पहला वीडियो है इसलिए कुछ सरल शब्द हम लेकर आए हैं। धीरे धीरे हम मात्रा वाले, फिर कठिन और इस तरह से इनका अभ्यास करते जाएंगे, क्योंकि इमला लिखना सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम इमला लिखना सीखना नहीं सीखेंगे नहीं, तब तक हम सुनकर नहीं लिख पाएंगे और अपने विचारों को भी नहीं लिख पाएंगे। जो हमारे मन में विचार आते हैं, हमें उनको लिखने का मन करता है, तो हम जब तक इमला लिखने का अभ्यास नहीं होगा तब तक हम नहीं लिख पाएंगे। यानी सुनकर लिखने का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन की आवाज़ भी विचारों में उठती है तो उसे भी लिखा जाता है, और किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को भी लिखा जाता है। तो ज़रूरत पड़ने पे लिखना पड़ता है, और विचारों को तो व्यक्ति अक्सर लिखता ही रहता है। तो आइए अब हम इमला लिखने का अभ्यास करें। आज के इस वीडियो में बिना मात्रा वाले शब्दों का इमला है। ये यहाँ से यहाँ तक कुछ शब्द दिए गए हैं, आइए एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं ताकि हमसे लिखने में गलती ना हो। तो शुरू करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। और आप कलम और कागज़ लेकर, अपनी कापी और पेन लेकर आ जाइए, हमारे साथ साथ लिख लीजिए। हम बोलेंगे, आप लिखेंगे। हम या थोड़ा सा वीडियो रोक लीजिए, और हो सकता है आपने पहले से ही कलम और कागज़ लेकर बैठे हों तो आप लिखेंगे। पहले चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं। पवन घर पर चल, यहाँ पर हम विराम लगाएंगे। विराम जहाँ पर हमारी एक बात खत्म हो जाती है वहाँ पर हम विराम लगाते हैं, ठीक है। एक बात जहाँ पर समाप्त होती है उसके बाद विराम लगाया जाता है। फिर विराम भी साथ में हम बोलेंगे, विराम ही लगाते चलेंगे आप, ठीक है। पूर्ण विराम बोलते हैं इसको। पवन घर पर चल, इधर उधर मत टहल। अच्छा, इधर उधर के बीच में ये आप रेखा देख रहे हैं, ये भी लगाई जाती है जहाँ पर मिलते जुलते शब्द एक दूसरे के पास पास होते हैं, तो वहाँ पर ये रेखा लगाई जाती है, ठीक है। तो इधर उधर मत टहल, फिर पूर्ण विराम है। झटपट चल, विराम। टमटम पर चढ़, ठीक है। ये चढ़ का ध्यान रखना, ये ढा नहीं है, ये ढा है, ठीक है। चढ़, टमटम पर चढ़, ठीक है। ये बिंदु वाला ढा होता है, चढ़। फिर विराम है। लटक मत, विराम। नल पर जल भर, फिर विराम। जग उधर रख, फिर विराम। नटखट मत बन, विराम। उपबन तक चल, विराम। कसरत कर, विराम। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें आप, एक बात का। बन, बनना, बनाना, ये बन जब लिखा जाता है तो ये बकरी वाला बा लिखा जाता है, ये इसमें जो बीच में रेखा खींची है ये बा लिखा जाता है। अच्छा, जहाँ पर वन लिखते हैं, वन माने जंगल, वहाँ पर ये वा लिखा जाता है, इसका ध्यान रखें आप। तो उपवन में ये वा वाला वा है और वन में ये वा है बकरी वाला, ठीक है। उप माने छोटा, वन माने जंगल, छोटा जंगल यानी बगीचा, तो उपवन माने बगीचा होता है, तो यहाँ पर ये वा लिखेंगे, ठीक है। उपवन तक चल, कसरत कर। तो उम्मीद करते हैं आपने ठीक से पढ़ा होगा इसे और शब्दों को समझ लिया होगा। तो अब आपने कापी कलम तैयार किया होगा, और अगर कापी कलम आप नहीं लेकर बैठे हैं अभी तो वीडियो को रोक लीजिए और कापी कलम लेकर बैठिए, क्योंकि सिर्फ हमारे बताने से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना जरूर पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं आप हमारे सभी वीडियो देखेंगे इमला के, तो बाद में सभी वीडियो के देखने के बाद आप पूरी तरह से सुनकर लिखना सीख जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो लिखने का अभ्यास कीजिए, अब हम बोलेंगे और आप लिखेंगे। तब तक हम इस लिखे हुए को ढक देते हैं, उसके बाद में हम इसे जांचेंगे बाद में। तब तक हमने इसको ढक दिया है, और अब हम बोलेंगे। लिखना है आपको, पवन घर पर चल, ठीक है। पवन घर पर चल, पावन वन पवन, घर घर पर अपर, चला चल। पवन घर पर चल, विराम लगा देंगे।
आपने लिखा होगा, आगे लिखिए, इधर उधर मत टहल, इधर इधर अधर इधर, उ धर अधर उधर, मत मत टा हल हल टहल, इधर उधर मत टहल विराम, झटपट चल, झटा झट पटपट झटपट चल चल चल, झटपट चल विराम, टमटम पर चढ़, टमाटम टमाटम टमटम पर चढ़ चढ़, टमटम पर चढ़ विराम, लटक मत, ला टक टक लटक मत मत, लटक मत विराम, नल पर जल भर, नल नल पर जल जल भरा भर, नल पर जल भर विराम, जग उधर रख, जग जग उधर 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 रख रख, जग उधर रख विराम, नटखट मत बन, नाटा नट खाटा खट नटखट माता मत बाना बन, नटखट मत बन विराम, उपवन तक चल, उपा उप वन वन उपवन तक तक चला चल, उपवन तक चल विराम, कसरत कर, कासा कस रात रात कसरत कर 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 कसरत कर। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने हमारे साथ साथ में लिखा होगा, हमारे बोले अनुसार आप लिखा होगा। चलिए अब हम जांच लेते हैं आपका, आपने लिखा हुआ, अब आप जांच लीजिए अपने आप, देख लीजिए। पवन घर पर चल, इधर उधर मत टहल, झटपट चल, टमटम पर चढ़, लटक मत, नल पर जल भर, जग उधर रख, नटखट मत बन, उपवन तक चल, कसरत कर। उम्मीद करते हैं आपने बिल्कुल ठीक लिखा होगा, कोई गलती नहीं की होगी। अगर भूल से कोई गलती हो गई हो तो आप दोबारा लिख लीजिए, तिबारा लिख लीजिए, जब तक लिखिए जब तक कोई गलती ना हो, क्योंकि अगले वीडियो में भी आपको हम इसी तरह से इमला लिखवाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा और आप इमला लिखना बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए हमारे उन दोस्तों को जो हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंदी।